नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं गैजेट हेल्प। दोस्तों, YouTube ने तीन बड़े अपडेट करे हैं तकरीबन, कहें तो, जो कि हर एक फील्ड में होते हैं। आप भी करते होगे, मैं भी करता हूँ टाइम टू टाइम। तो ये अपडेट क्या है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो अपडेट है वो है दोस्तों आपके चैनल को नेम के लेकर। आपका चैनल जो नेम होता है, मान लो आप कोई भी हो, अगर स्पेशल करेक्टर यूज करते हो या मान लो इमोजी या मतलब टिक वगैरह के निशान कुछ इस टाइप के, तो उसमें क्या है कि दोस्तों यूट्यूब का मानना है कि आपका जो चैनल है आप उसे एज इट इज़ रखो, मतलब जो भी है उसके अंदर कुछ स्पेशल ऐड मत करो, इसलिए अपडेट करा है। तो इसका अपडेट के बाद दोस्तों आप कुछ भी स्पेशल करेक्टर यूज नहीं कर पाओगे या मतलब इस टाइप का। सेकंड अपडेट है दोस्तों, आप अपने सब्सक्राइबर को ऐड कर सकते हैं थे पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कुछ टाइम आने वाले टाइमों में, मतलब आने वाले दिनों में, आपने जो भी सब्सक्राइबर आपके ऐड कर रखे हैं, इवन जैसे मैंने अपने सब्सक्राइबर ऐड कर रखे हैं, वो भी अब विजिबल होने लग जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। तो दोस्तों एक थ्योरी होती है, मतलब एक मिथ भी मान लो यार, नहीं मतलब मेरा तो मानना है कि कुछ होता है ऐसा, इसलिए मैंने भी अपने ऐड कर रखे हैं। होता ये है दोस्तों, मान लो जैसे आपके सब्सक्राइबर अपने ऐड कर रखे हैं, अगर मान लो आपके 5 या 2 या 10 या 20 जो भी है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, अगर मान लो आप बढ़िया कंटेंट बना रहे हो ना, तो 99% चांस तो यही होता है कि आपका जो भी आपके चैनल पर विजिट करेगा वो सब्सक्राइब करेगा। लेकिन 1% क्या होता है कि लोगों को तो ये लगता है कि यार इसके तो सब्सक्राइबर बहुत कम है, व्यू बहुत कम है, तो क्या पता इसके कॉन्टेंट में इतना दम ना हो, चाहे क्यों ना वो इतना बढ़िया कॉन्टेंट हो कि उसको पसंद भी आया हो, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करके जाता उस टाइम। और इसका सीधा सीधा मैं एक उदाहरण देना चाहूँ तो दोस्तों, आपने कभी भी किसी बड़े यूट्यूबर को देख लेना जो 100 यानी कि 1 लाख से ऊपर का व्यू, 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर का चैनल है, उसके 1 से 2 होने में कितना टाइम लगता है? 2-4 महीने मैक्सिमम, अगर वो कंटिन्यू है, कोई भी यूट्यूबर कंटिन्यू, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 1 मिलियन है, उसके 2 मिलियन होने में कितना लगता है? मेरे हिसाब से साल भी नहीं लगता यार, मतलब मल्टीपल हो जाते हैं कुछ एक महीनों में। लेकिन छोटे यूट्यूबर को 1000 सब्सक्राइबर करने में कितना टाइम लग जाता है आप बताओ? मेरे हिसाब से अगर कोई अप्रोच ना हो, नॉर्मल काम कर रहा है, जो बंदा जेन्युइन काम कर रहा है, शायद साल भी लग जाए यार, 3 महीने मेरे को हो चुके हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, लेकिन चलो ठीक है, ये भी अपडेट बढ़िया ही है, मैं कोई कहता हूँ चलो कोई नहीं, जैसा भी है रहा दोस्तों। थर्ड अपडेट है कमेंट्स में जो स्पैम वगैरह करते हैं, स्पैम समझ रहे हो दोस्तों, मतलब आपने देखा होगा कईयों के वीडियो में, मतलब जो बड़े बड़े यूट्यूबर एटलीस्ट उनके वीडियो के नीचे क्या होता है, मतलब कुछ अडल्ट टाइप के मैसेज होते हैं, मतलब कुछ प्रोडक्ट के लिंक वगैरह या मान लो कुछ इस टाइप के। और स्पेशली मान लो कोई ऐसा चैनल है जिसके ऊपर पर्टिकुलर कोई मतलब बंदा पड़ गया है यार पीछे कि नहीं इसके ऊपर तो गंदा कुछ लिखना ही है, तो वो क्या है कि आप पर्टिकुलर है ना उसके नेम को, मतलब क्या नाम, वहाँ से आप रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो अब कि हाँ इसके कमेंट को मेरे चैनल पे नहीं दिखना चाहिए। तो वो ऐसा भी है आप फीचर, जो कि मैं मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट दोस्तों इन दोनों में से, वो मेरे को नहीं लगे इतने मस्त, लेकिन ये वाला फीचर बहुत मस्त है। क्योंकि दोस्तों आप जैसे सक्सेस की तरफ बढ़ते हो ना, जलने वाले हो जाते हैं, क्योंकि कई ज़रूरी नहीं है सभी आपकी तरक्की से खुश रहें, एक आधे होते हैं यार ऐसे, तो उनके लिए ये मतलब उनकी रिस्ट्रिक्शन के लिए बिल्कुल सही है कि वो कम से कम दूर ही रहें, क्योंकि यार वो भी कई बार माइंड ख़राब कर ही देते हैं। तो दोस्तों ये थे 3 अपडेट जो कि मतलब बढ़िया थे, लेकिन एक अपडेट तो मेरे से भी रिलेटेड था यार, सब्सक्राइबर आईडी वाला जो मैंने कर रखा है। चलो आने वाले टाइम में आपको पता ही चल जाएगा कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, बाकी आपकी मर्जी, कोई फोर्स नहीं कर रहे हम, फोर्स होगा भी नहीं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।